हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #Amazon। तो आज का वीडियो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो वीडियो है वो बेजियर पे है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेजियर बेसिकली होता क्या है? बेजियर एक टाइप का पाथ है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है, और उसी को फॉलो करके यानी कि ट्रेसिंग करके हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बना सकते हैं, या फिर खुद की शेप क्रिएट करके एक अच्छे वेक्टर आर्ट बना सकते हैं हम लोग। तो बेजियर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। जिनको पता है वो भी देखे, जिनको ना पता है वो भी देखे, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आते हैं बेजियर पे, यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेजियर है। तो बेजियर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेजियर मैंने बताया आप लोगों को कि एक पाथ होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ में जैसे जैसे क्लिक करूँगा एक पाथ क्रिएट होते जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि हर एक पाथ पे आप देख रहे होंगे, ये जो पाथ पे एक हर एक मतलब जगह पे वहाँ पे पॉइंट बनी हुई है, ठीक है। तो पॉइंट इसको एंकर पॉइंट बोल सकते हैं या फिर बेजियर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बेजियर आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा होगा इसके इसके बगल में, यहाँ पे इसके बगल में माइनस साइन दिख रहा होगा, लेकिन इधर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं हमेशा पोर्ट्रेट मोड में नहीं बनाता, लैंडस्केप मोड में बनाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा इसमें सिंबल जो है वो नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस सिंबल मिलेगा, तो वो करते क्या है कि वो बेजियर को ऐड करता है। किसी टाइप का आप बेजियर बनाए, मतलब बेजियर जो है वो आपका हमेशा जो है जब डिफ़ॉल्ट बेजियर होती है वो डिफ़ॉल्ट बेजियर को हमेशा वो ऐड करता है, ठीक है। तो इधर से माइनस होगा, ठीक है, ये देखें आप। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप दिख रहा है कि यहाँ पे तीन बेजियर ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे थ्री ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर ये और ये एरो, ठीक है, ये और ये एरो क्या आपको दिखाता है कि जब आपको किस बेजियर पे वर्क करना है। तो ये पहले भी मैंने वीडियो पे बताया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप किस बेजियर पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, कोई कैरेक्टर ही हो गया जिसको हम ट्रेस करेंगे, उसकी सर की जो है, उसका हेड जो है, उसको हम अलग से बेजियर यूज़ कर रहे हैं, उसके हैंड के लिए अलग बेजियर यूज़ कर रहे हैं, उसके लेग के लिए अलग बेजियर यूज़ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम इसको ऊपर नीचे करके उस बेजियर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली ऑप्शन समझ में आ गया आप लोगों को। तो आते हैं नेक्स्ट में बेजियर मोड। तो बेजियर मोड बेसिकली है क्या, जैसे अभी मैं हूँ थर्ड नंबर बेजियर पे, अभी यहाँ पे सारा डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक पे आ जाते हैं। तो बेजियर मोड में आप लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक पहला है प्लस, ठीक है, जब मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है ये प्लस मोड पे है, यानी कि मैं क्लिक करूँगा तो जो बेजियर जो पॉइंट है वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है, ऐड होंगे वो, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं ये जो है ऐड वाली हो गया। अब इसके बगल में जो है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँ तो ये पॉइंट पे वर्क करने का है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपको दो हैंडल मिल जाएंगे, बशर्ते वो हैंडल जो हैं जो है वो बीच में होना चाहिए, मतलब कि लास्ट और जहाँ से एंड हो रहा है और जो लास्ट एंड पॉइंट है, सॉरी एंड पॉइंट जो है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वहाँ पर सिर्फ सिंगल आपको हैंडल मिलेंगे कंट्रोल के लिए, और जो आपके जो बीच में पड़ते हैं वो सारे के पास वो डबल हैंडल होते हैं, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि हाँ जो लास्ट वाले जो हैं आपके पास सिर्फ तो एक ही हैंडल रहेंगे ना, इसके सारे उस साइड में तो कोई पाथ तो है नहीं, ठीक है। जैसे मैं बता, इस साइड तो है राइट साइड में, इसके साइड तो है नहीं, तो एक ही हैंडल रहते हैं यहाँ पे, ओके। तो अब एक और चीज़ है
इसके बगल में जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये सिंबल जो है वो हमको, हम लोगों को पता है कि हम इसको मतलब इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाके कहीं भी ले जा सकते हैं इससे, ठीक है। नीचे आते हैं, प्लस मोड पे आया और भी मैं बेजियर ऐड करने लगा। नीचे आते हैं एक्शन पे, तो एक्शन वाले पे ये जो पहला है वो बेजियर पॉइंट को डिलीट करने का है, ठीक है। अब देखें जैसे ये जो सेकेंड वाला है, मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये एक्शन तो हो गया, अब सेकेंड पे आते हैं इसके, यहाँ पे एक्शन वाले सेकेंड पे। अगर मैं बेजियर पॉइंट ऐड करा, मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, मैं चाहता हूँ ये पॉइंट जॉइंट हो आपस में, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, ये दोनों को जॉइंट करके आपको दे देगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को, ओके। अब आते हैं, यहाँ से कट करते हैं, सॉरी, ओके। अब इसके बाद ये हो गया, अब इस पे आते हैं। तो ये स्केल का है बेजियर, आप कितना स्केलिंग करके बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। स्केलिंग भी हो गई, ये जो है रोटेट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सॉरी, अब फिर से जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, रोटेट तक हो गई। लेकिन एक और चीज़ है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं अभी प्लस पॉइंट पे हूँ और मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने ऐड कर दी, तो यहाँ पे भी और भी ऑप्शंस आ गए, ये प्लस वाला, और यहाँ पे दिख रहा है ये ब्रेकिंग का सिंबल। तो ये प्लस वाले सिंबल से है मतलब कि मैंने जो लास्ट पॉइंट जो ऐड करे थे, जैसे ये जो है हमारा, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, सॉरी, ये टच हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूँ तो इनके बीच में वो पॉइंट एक ऐड होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से ऐड करूँ तो इनके बीच में पॉइंट ऐड होगी, ठीक है। फिर से ऐड करूँ, इनके बीच में पॉइंट ऐड होगी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। अब ब्रेक करना है, तो ब्रेक, अगर ये पॉइंट मैंने करा था ये वाली और ये वाली, तो ब्रेक ये दोनों होगी, सॉरी, ये दोनों थी, ये ब्रेक होगी, ठीक है। जो ज्वाइंट करा था उसको ब्रेक ज्वाइंट कर सकते हैं हम लोग, ये स्केलिंग का, ये रोटेटिंग का। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इसको जो है प्लस में आके एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नीचे है स्ट्रोक विथ, स्ट्रोक मतलब उसकी जो विथ है आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अब उसकी कैप है, ठीक है, ये जब जैस जब एंड होगी यहाँ पे, ये राउंडनेस कैप है इसकी, ये जो है इसकी जो लास्ट में आप पॉइंट देख सकते हैं कि वो कैप जो है वो राउंडेड नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट के बाद तुरंत एंड है। अब देखिए ये नेक्स्ट वाले जो है वो पॉइंट के बाद तुरंत एंड नहीं है, थोड़े से आगे जाके वो एंड हो रही है, ठीक है, ये चीज़ था। और ये नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है ओपेसिटी, जिसमें हम अपने हिसाब से उसकी ओपेसिटी को और बढ़ा घटा सकते हैं, ताकि जब हम ट्रैसिक कभी कभी करते तो हो सकता है कि मुझे वो चीज़ नहीं उसमें दिख रही, अगर ब्लैक कलर की जो ऑब्जेक्ट है और मैं उनको चाहता हूँ ट्रेस करूँ, तो वो उनकी मैं ओपेसिटी कम करके कर सकता हूँ। या फिर यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ट्रेसिंग के लिए विजिबल हो, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम बेजियर के पॉइंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हर एक पॉइंट के पास हैंडल होते हैं, तो ये दोनों एंड पॉइंट हैं, तो इनके पास अलग अलग हैंडल हैं, मतलब एक ही हैंडल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक हैंडल ऐड कर लेता हूँ और दोनों को जोड़ लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप हर एक, सॉरी, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के पास अपना अपना हैंडल है। तो आप हैंडल मूव करके देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की शेप चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा।
तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर ये तो मैं हमारे डिफ़ॉल्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको सीधी लाइन करूँ एक, ठीक है। सीधी लाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे इस हैंडल को ला के इस पे लाना होगा, ठीक है। पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और इसकी हैंडल को ला के इस पॉइंट पे लाना होगा, ठीक है। तो ये है तरीका कि आप किसी भी बेजियर को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। फुली स्ट्रेट नहीं है बट फिर भी आप इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट को सीधी कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। तो स्ट्रोक में बस सॉरी बेजियर में आज का बस इतना ही था। तो आप लोग कोशिश करें कि इस चीज़ से बेजियर से कुछ ना कुछ ट्रेस करने की कोशिश करें, तो और मुझे इंस्टाग्राम में भेजें तो मैं देखूंगा कि हाँ आपने क्या वर्क किया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोई भी कैरेक्टर खुद से ड्रॉ करके उसको ट्रेस करने की कोशिश करूंगा, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।